अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। गिरते और झड़ते बालों या मोटापे से आप परेशान हैं तो चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर। सिवान के खान मार्केट के बगल में स्थित शहजाद मार्केट चलने वाले इस आशिया शब्बीर हेल्थ केयर के डॉक्टर अबूजर हुसैन से न्यूज इंडिया तक ने मुलाकात की और उनसे कई सारे स्किन डिजीज मुद्दे पर बातचीत की। बता दें कि डॉक्टर अबूजर हुसैन सिवान स्थित इस क्लिनिक के अलावा शनिवार और रविवार को बसंतपुर में भी लोगों का इलाज करते हैं। यहां कंप्यूटर द्वारा चेकअप करके लेजर मशीन से इलाज किया जाता है, साथ ही साथ बाल झड़ने से रोकने और नए बाल उगाए जाने की भी सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अलावा मुहासा, झुरी एवं छाई का भी इलाज किया जाता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके टीम को शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने आए इंटरव्यू के लिए। आपका सवाल है कि कैसे इलाज करते हैं। सबसे पहले कि मैं डॉक्टर अबूजर हुसैन, स्किन स्पेशलिस्ट। अगर कोई पेशेंट हेयर से प्रॉब्लम, बाल गिर रहा है, अगर इस प्रॉब्लम में आता है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपना कैमरा उठाता हूँ और 3-4 सवाल करता हूँ पेशेंट से कि डैंड्रफ है कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाल गिरता है डैंड्रफ की वजह से। दूसरा चीज़, अगर सिंपल इन्फेक्शन हुआ रहता है तो इन्फेक्शन कुछ पता चल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है पहले कैमरे से चेक करता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। जैसे आप कैमरे से यहाँ देख सकते हैं, उनके बाल के जड़ में दिखा रहा हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इनकी बाल के जड़ में कहीं कहीं देखिए आप डैंड्रफ नज़र आ रहा है, कहीं कहीं पतला पतला, कहीं कहीं बाल खाली भी नज़र आ रहा है। तब ये सारा प्रॉब्लम जो भी है, अगर डैंड्रफ है तो मैं डैंड्रफ का एंटी डैंड्रफ शैम्पू से यूज कराकर, और अगर बाल उसके बावजूद भी गिर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग टेबलेट मैं चलाता हूँ। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है कि थोड़ा बाल कम हो चुका है पेशेंट को, आप सुन रहे हैं, थोड़ा बाल पेशेंट को कम हो चुका है, उस कंडीशन में मैं एक प्रोसीजर होता है डर्मा रोलर और PRP, जो कि आप वीडियो देख सकते हैं, डर्मा रोलर चलाता हूँ और साथ में एवरी मंथ PRP करता हूँ। PRP मतलब प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, इनके ब्लड से 6-7 ml ब्लड निकालता हूँ और उसमें से प्लाज्मा निकालकर प्लेटलेट्स और इंजेक्ट करूँगा स्किन पे। उससे 1-2 महीने के बाद इनका रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। तीसरा चीज है, बहुत सारे लोग आते हैं 30+, 40+, जिनको चाहिए बाल, उस कंडीशन में मैं हेयर ट्रांसप्लांट सजेस्ट करता हूँ कि आपको बेटर होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लीजिए। और उसका वीडियो आप देख सकते हैं कि हमारे क्लिनिक पर हेयर ट्रांसप्लांट होता है, दिल्ली का टीम आता है करके चला जाता है। उसके अलावा मेरे पास सबसे ज़्यादा केस फंगल केस आते हैं, दांत खाज खुजली के आते हैं, तो उसका जो भी कंडीशन रहता है पहले मैं चेक करता हूँ, माइल्ड केस है, मॉडरेट केस है या सीवियर केस है, उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा मेरे पास केस आते हैं खास करके लड़कियाँ, जो आजकल बहुत सारे क्रीम चला है, स्किन लाइट, स्किन साइन, लोमेला इस टाइप के क्रीम, उससे लगाकर वो लोग अपने स्किन को पूरी तरह से बंद कर दिया रहता है लोग। तो एक्चुअल में वो चीज़ स्टेरॉइड क्रीम है, और मैं जितना बहुत सारे लड़कियों औरतों को मैं बोलता हूँ कि बिना किसी स्किन के डॉक्टर के बिना पूछे आप लोग ये यूज मत कीजिए क्रीम, क्योंकि इस स्किन में ये है स्टेरॉइड क्रीम के स्किन में जो 3 लेयर होता है, इपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, 2 लेयर 10 दिनों में गला देता है और 1 लेयर बचा रहता है। अब वो क्रीम लगाने के बाद 10 दिनों में गोरी तो हो जाती है सब लड़कियाँ, छाई हट जाता है। दिक्कत क्या होता है कि जैसे वो सन एक्सपोज एरिया में जाएगी, धूप में जाएगी, खाना बनाने जाएगी, उसका चेहरा लाल हो जाएगा, जलन होगा, गर्म हो जाएगा, तो उसको ठीक करने में कम से कम 1.5-2 महीने लग जाता है। इसीलिए मैं स्टेरॉइड क्रीम से हर पेशेंट को बचाना चाहता हूँ। इस तरह कोई पेशेंट आपके पास आता है तो फिर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? उस कंडीशन में मुझे तो लगातार वीकली बुलाता हूँ अपने क्लिनिक पे और अल्ट्रासाउंड विटामिन सी के साथ चेहरा पर चलाता हूँ,
विटामिन सी जाता है स्किन के अंदर, तो धीरे धीरे रिकवरी करता है, सेकेंड लेयर थर्ड लेयर बनता है, उसके बाद ठीक होने लगता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे पेशेंट को? मैं यही कहूँगा कि जब भी फेस, खास करके स्पेशली लड़कियों के लिए, औरतों के लिए फेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अब बाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जो भी प्रॉब्लम हो पहले उन्हें एक स्किन के डॉक्टर के पास आइए, अपना चेकअप करा लीजिए कि कौन किस टाइप का फेस है। जैसे 5 टाइप के स्किन होता है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन, सेंसिटिव स्किन होते हैं, और हमारे खास करके देहात के लड़के चाहे लड़कियाँ को पता नहीं चलता है मेरा स्किन कौन है, कोई भी फेस वॉश है लपेट लेती है, सब लगा लेती है सब फेस पे, तो ऐसा नहीं करना है, उससे दिक्कत हो जाता है फेस पे। ऑयली है तो एंटी ऑयली फेस वॉश और क्रीम यूज कीजिए, उससे मुझे लग रहा है इजीली ठीक हो जाएगा फेस। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ओबेसिटी, मोटापे की प्रॉब्लम होती है, तो मेरे पास आप वीडियो देख सकते हैं, लेज़र मशीन है बड़ा सा, उसमें कोई भी पेशेंट को मोटा, अगर मोटा है तो मैंने इंची टेप से पहले नाप लेता हूँ यहाँ का, इस तीनों कंडीशन का, और लिख देता हूँ, और 3 घंटा प्रॉपर मशीन चलती है, 3 घंटे के बाद फिर जैसे यहाँ और यहाँ यहाँ इंची टेप से नापता हूँ, तो किसी को 1/2 इंच 1 इंच आपको 3 घंटे के अंदर कम दिखेगा। उसके अलावा डाइट प्रॉपर बताता हूँ, तो मुझे लगता है 1 महीना में अच्छा खासा मोटापा घटने लगता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे लड़के भी आते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरा फेस थोड़ा भद्दा लग रहा है, मेरा फेस थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है, थोड़ा फेयर चेहरा हो जाए, तो उसके लिए मैं एक लेज़र थेरेपी है, डर्मा रोलर लेज़र थेरेपी, डर्मा पेन जो पूरे फेस पे करता हूँ, उससे क्या होता है कि उसका डेड सेल और जो भी लूज सेंस में कह सकते हैं जो भी गंदा खून होता है फेस का ऊपर का लेयर हट जाता है, और आप ही का ब्लड अंदर से जब इस लेयर पे आता है ना, तो उससे क्या होता है कि आपका 5-7 दिन के बाद एक अलग निखार आएगा चेहरा पे और चेहरा खिला हुआ महसूस होगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लड़के या लड़कियां जिनको प्रॉब्लम होता है पिंपल आने के बाद, उसको फोड़ देते हैं जो कि 4-5 सालों के बाद गड्ढा हो जाता है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो सिर्फ क्रीम और टेबलेट लिखते हैं, मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट होता है, इससे उससे बेहतर है कि लेज़र थेरेपी जिसको कहते हैं PRP, आपका ब्लड लेकर उसके, जो मेरा वीडियो सामने देख सकते हैं मैं कैसे गड्ढा भर रहा हूँ इसमें सबसे ज़्यादा कैसे, उसके अलावा बहुत सारा कटा फटा रहता है, सारा चीज़ का सोल्यूशन है PRP से अच्छा खासा गड्ढा भर जाता है, जो कि मैं, मेरे पास हर हफ्ते 3-4 केस आते ही हैं इसका।